आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में इन दिनों पीएम चेहरे को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। विपक्षों की अगर बात की जाए तो कई सारे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का नाम भी काफी चर्चाओं में है। देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी विपक्षों की पीएम उम्मीदवार हो सकती है। इस तरह के चर्चे अब काफी विपक्षों के अंदर चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी कई सालों से मोहर लगाकर बैठी हुई है और अब नीतीश कुमार का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी को किस तरह से टक्कर दे पाएंगी ममता बनर्जी, इस पर भी एक सवाल उठता है। दरअसल देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह से ममता बनर्जी ने बीजेपी को टक्कर दी, जिस तरह से तमाम बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर खुद प्रधानमंत्री हो, पूरा जोर बंगाल की राजनीति में इन बड़े नेताओं ने लगा दिया, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी को हिला नहीं पाए। और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या ममता दीदी अब पीएम मोदी को टक्कर दे सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आज के दौर में विपक्षों को एक दमदार उम्मीदवार की जरूरत है और ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जिसे कहीं ना कहीं पूरे देश के लोग पहचानते हो। और अब अगर नीतीश कुमार की ओर रुख किया जाए तो उनकी राजनीति बिहार तक कहीं ना कहीं सीमित है, लेकिन ममता बनर्जी की राजनीति की बात की जाए तो ममता बनर्जी की राजनीति कहीं ना कहीं आसाम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में तो है ही और साथ ही उत्तर भारत के कई सारे इलाकों में है और विपक्षों के साथ भी कई सारे तालमेल ममता बनर्जी बिठा चुकी है। लेकिन अब देखना यही है कि जो उम्मीदवारी यहाँ पर ममता बनर्जी के नाम पर की जा रही है, क्या वो उम्मीदवारी यहाँ पर पेश कर सकती है ममता बनर्जी, क्योंकि विपक्ष एकता की अगर बात की जाए तो उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 की अगर विपक्षी एकता की बात की जाए तो उस वक्त तक साथ रहेंगे। यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षों को एकजुट किया जाए और तब मैदान में उतरा जाए। लेकिन अब क्या पीएम मोदी को टक्कर दे सकती है ममता बनर्जी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ उम्मीदवार की बात की जाए तो एक्सपीरियंस के मामले में हो जाए या फिर किसी पद को संभालने के मामले में हो जाए, ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। ऐसे में उम्मीदवारी की जो रेस में जो लोग भाग रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उस सबके बावजूद ममता बनर्जी कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार दिख रही है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि क्या विपक्ष भी ऐसा सोचती है, क्या विपक्षों में भी ममता बनर्जी के नाम पर हामी भरी जाएगी, क्योंकि टीएमसी पार्टी तो पूरी तरह से अपना मुखिया का जो है वो सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, टीएमसी पार्टी के कई सांसदों का यही कहना है कि ममता बनर्जी एक सही और प्रबल दावेदार है जो पीएम मोदी को टक्कर भी दे सकती है और हराने की क्षमता भी रखती है। लेकिन अब देखना यही है कि क्या विपक्ष भी ऐसा सोचती है और क्या 2024 में पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी मैदान में उतर सकती है विपक्षों की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।